लगना हो दीपिका बिना किए खर्चा तो बोलो यस मैडम। फ्लॉन्ट करना है नया हेयर स्टाइल और चाहिए 1000 लाइक्स तो बोलो यस मैडम। हेक्टिक दिन के बाद चाहिए रिलैक्सिंग मसाज तो बोलो यस मैडम। और चाहिए घर पे पूरा का पूरा सैलून और चाहिए सर्विसेज फुल ऑन तो बोलो यस मैडम। हम लेकर आए हैं यस मैडम, इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड ट्रांसपेरेंट होम सैलून। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अर्पित, मैं आकांक्षा, मैं मयंक और मैं आदित्य और हम हैं यस मैडम के धमाकेदार फाउंडर्स और हम आए हैं दिल वालों की दिल्ली से। शार्क्स, आज के बिजी लाइफस्टाइल में सैलून के लिए टाइम निकालना क्लोज टू इम्पॉसिबल है और उसके बाद डील करना पड़ता है उन अनट्रेन्ड सर्विस प्रोफेशनल से जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स यूज करके आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। या फिर जाओ कोई ऐसे एक्सपेंसिव सैलून में जहां ऐसी फील आती है जैसे सोने की कैंची से बाल काट रहे हों। इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है हमारा स्टार्टअप यस मैडम। यस मैडम एक टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूजर्स सारे ब्यूटी एंड स्पा सर्विसेज जैसे कि वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, स्पा घर पर ही बुक कर सकता है एट देयर कन्वीनिएंट डेट एंड टाइम। हमारे सारे प्रोफेशनल्स ट्रेन्ड और वेरीफाइड होते हैं। सर्विसेज में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट्स एंड डिस्पोजेबल्स वन टाइम यूज पैकेजिंग में आते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स की स्किन एंड हाइजीन का पूरा ध्यान रख पाए। इतना ही नहीं, यस मैडम अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को खुद का प्रोडक्ट यूज करके सिर्फ सैलून सर्विसेज बुक करने की फ्रीडम देता है। लेकिन जैसे शार्क्स के बिना शार्क टैंक अधूरा है वैसे ही यस मैडम अपने पार्टनर्स के बिना अधूरा है। हम 2500 से भी ज्यादा फीमेल्स को एम्पावर कर रहे हैं जो पहले 10 से 12 हजार तक अर्न कर पाती थी, आज हमारे साथ जुड़ के 40 से 50 हजार तक अर्न कर पा रही है। हमारा विजन है कि हम यस मैडम को इंडिया की सबसे बड़ी सैलून टेक कंपनी बनाएं जिसमें एट होम और ऑफलाइन दोनों प्रेजेंस होगा ताकि हम इस इंडस्ट्री के सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सके और इस इंडस्ट्री में काम कर रहे लाखों वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ को बेटर कर सके। तो शार्क्स, आज हम आपके सामने डिमांड कर रहे हैं 1.5 करोड़ की इन रिटर्न ऑफ 0.5% ऑफ आवर कंपनी। तो शार्क्स, पिच अच्छी लगी तो बोलो यस मैडम। यस मैडम, पिच बहुत अच्छी लगी, वैल्यूएशन थोड़ी धक-धक हो गई पर आप चारों का बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू विनीता मैम। तो आप अपने चारों के बैकग्राउंड्स थोड़ा क्विकली बता देंगे क्योंकि चार फाउंडर्स हैं। मेरा नाम मयंक है, मैं अमरोहा से हूँ। अरे वाह। एंड अमरोहा यूपी में एक छोटा सा गांव है। मैंने अपनी करियर की चॉइस में मर्चेंट नेवी को चुना। 9 साल मर्चेंट नेवी में सेल किया। 2009 के बाद मेरे पास एक मेरे अंकल मिलने आए मेरे से और उन्होंने बोला कि मयंक कितना कमाते हो? तो आई सेड 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला अगर 1 लाख रुपए रोज का कमाना चाहते हो तो मेरे साथ अफ्रीका चलो। मैंने कहा ठीक है। वहाँ मैंने पहले अपने बिजनेस की शुरुआत करी विद प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बस शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मेरे ऊपर वहाँ आर्म रॉबरी अटैक हुआ। ओह माय गॉड। एंड वहाँ इबोला ब्रोक आउट हो गया इन 2014। मेरे सारे बिजनेसेस एक एक करके लॉसेज में जाने लगे। मेरे ऊपर लोन था बैंक्स का, तो आई रीच आउट टू आदित्य कि भाई तू सपोर्ट कर दे एंड ही वाज द वन हु सपोर्टेड मी। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप कैसे जानते थे आदित्य को? ये मेरा भाई है, छोटा भाई है। बचपन से ही भैया और पापा को बिजनेस करते हुए देखा है, काफी इंस्पायर्ड था कि अपना कुछ करना है। तभी मेरी वाइफ घर पे एक बार ब्यूटी सर्विसेज ही ले रही थी, सर्विसेज हुई, उसके बाद उनके फेस पे रैशेज हो गए। अच्छा। तो पता लगा कि जो प्रोडक्ट यूज हुआ था वो बड़े बड़े बॉक्सेस में यूज हुआ था जो रिफिल्ड या डुप्लीकेट हो सकता था। एंड दैट्स हाउ हमें एक आइडिया आया कि हम ब्यूटी सर्विसेज स्टार्ट करें विद मोनोडोजेस। तो ये कौन से साल में फिर आपने ये सोचा? 2017 में हमने ये स्टार्ट किया। और बाकी आपका क्या? मैं मुरादाबाद से हूँ एंड मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं करी। उसके बाद मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई करी जो नोएडा से की। मयंक भैया एंड आदित्य भैया दे बोथ आर माय फैमिली फ्रेंड्स। मेरा नाम अर्पित है, मैं भी अमरोहा से ही हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई IIT खड़गपुर से करी है। आदित्य इज माय स्कूल सीनियर, मतलब 15 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ आप को फाउंडर है? यस यस, आई एम को फाउंडर। तो कैप टेबल बता दीजिए। कैप टेबल 28% विल बी विद आदित्य जो हमने पेपर वर्क क्लोज करा रहे हैं। 28% विल बी विद मी, 28% विल बी विद आकांक्षा, अर्पित विल होल्ड 10% एंड 6% विल बी ईशू। आप लोग आपस में क्या काम डिवाइड करते हैं? आई एम द सीईओ एंड आई टेक केयर ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक। मैं स्ट्रेटजी एंड एक्सपेंशन देखता हूँ। मैं इनोवेशंस एंड ब्रांडिंग देखती हूँ। और मैं मार्केटिंग और ऑपरेशंस देखता हूँ। थोड़ा प्रोडक्ट सर्विसेज थोड़ा स्कोप समझा दीजिए। तो मान लीजिए विनीता मैम आपको घर पे वैक्सिंग करानी है जो कि हमारी हाईएस्ट सेलिंग सर्विस भी है, आपको वैक्सोलॉजी रीका करानी है, तो आप इसको कॉस्ट क्या है बाय द वे? 799। ये 1000 रुपए का होगा रीका वाला ऑन अर्बन कंपनी, है ना? हाँ, मतलब दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल यू कैन गाइड। हमारे प्लेटफॉर्म की एक बहुत खूबसूरत यूएसपी है कि हम अपने चार्ज को प्रोडक्ट कॉस्ट और सर्विस चार्ज में अलग करते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग। तो सर्विस चार्ज 390 पड़ेगा आपको और प्रोडक्ट कॉस्ट 409 पड़ेगा। अब प्रोडक्ट कॉस्ट में हम आपको 3 ऑप्शंस देंगे जहाँ पे आप नो प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, जिसका मतलब है प्रोडक्ट आप दोगे और सर्विसेज के चार्जेस हम लेंगे जो कि है सिर्फ 390। तो आप एक बात बताइए, अभी एक प्लेयर जो है बहुत स्केल कर गया इंडस्ट्री में, वी ऑल नो अर्बन कंपनी, तो आपको क्या गैप दिख रहा था जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि हमें ये करना है? जब अर्बन कंपनी ने शुरू किया था, they were not into monodoses. वो सब लोग convenience sell कर रहे थे, हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, which was pricing and the product. और आज कैसे देखते हैं आप इसको? इंडिया का जो ब्यूटी सलोन का मार्केट है वो 1,80,000 करोड़ रुपए का है। अर्बन कंपनी को मैं देखूं तो वी हैव हार्डली स्क्रैच द सरफेस। बाय द वे मैं डिस्क्लोजर करना चाहता हूं, मैं अर्बन कंपनी में शेयरहोल्डर हूं। मैं इन्वेस्टर हूं अर्बन कंपनी। तो उनका कितना रेवेन्यू है इस कैटेगरी में और आपका कितना रेवेन्यू है? हमारा ऑन अ ईयरली बेसिस इज 50 करोड़, उनका जो रेवेन्यू है वो 300 करोड़ रुपए है। और ग्रो कैसे कर रहा है आपका ये 50 करोड़? अगर लास्ट 3 साल का नंबर देखें, फाइनेंशियल ईयर 2021 जिसमें हमने 12-12.5 करोड़ का रेवेन्यू किया था। उसके बाद 2022 में हमने 26 टच किया, 23 में विच वाज लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने 32 टच किया। इस ईयर वी विल बी क्लोजिंग विद 50 करोड़। एंड आप प्रॉफिटेबल हैं? वी आर प्रॉफिटेबल। क्या EBITDA है आपका? लास्ट मंथ हमारा EBITDA था 40 लाख रुपए। इन लास्ट 6 मंथ में हमारा EBITDA वाज 1 करोड़। और लास्ट मंथ सेल कितनी थी? 9.5 करोड़ रुपए GMV था और हमारा रेवेन्यू था 4.5 करोड़। वेरी नाइस, अमेजिंग, वेरी नाइस। आपने फंडिंग भी रेज की है? वी हैव नॉट रेज फंड, वी हैव बूटस्ट्रैप। यू हैव नेवर रेज फंडिंग? नहीं। क्रेजी नंबर्स। मैं ना नेगेटिव माइंडसेट के साथ था कि मेरे को अभी पता चलेगा कि क्या है, बट यू हैव सरप्राइज मी वेरी पॉजिटिव। थैंक यू, वेल डन। आउटस्टैंडिंग नंबर्स। एक चीज बताओ, ऐसा क्यों हुआ कि वो अभी तक लॉसेस में है शायद और आप इतना अच्छा स्केल भी कर गए, प्रॉफिटेबल भी हो, क्या आपका वो क्या है सीक्रेट सॉस? हमारी पॉलिसी है हम अपने पार्टनर्स को डीएक्टिवेट या ब्लॉक नहीं करते हैं, हम उनका बिजनेस ग्रो करते हैं। हमारा मोटिव है उनको मोटिवेट करके, उनको बार बार ट्रेन करके उनका बिजनेस बढ़ाना। जो हमारे टॉप रेटेड पार्टनर्स होते हैं, आउट ऑफ 2500 500 को हमने गोल्ड पार्टनर बनाया डिपेंडिंग ऑन देयर रेटिंग, और वो जितनी जॉब्स कर रहे हैं उस गोल्ड पार्टनर में उनकी अर्निंग ज़्यादा होती है, उनका हम कमीशन कम लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, प्लस उन पार्टनर्स का एक 3 या 4 स्टार में उनकी फैमिली के साथ लंच प्रोवाइड करवाते हैं। उनको अगर अवार्ड भी देना होता है तो उनकी फैमिली से दिलवाते हैं क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप उनकी अर्निंग में से ऑन एवरेज कितना लेते हैं नॉर्मल पार्टनर और गोल्ड पार्टनर? गोल्ड पार्टनर में से 15% कमीशन लेते हैं। अच्छा। और नॉर्मल में को हम 20% कमीशन डिडक्ट करते हैं। अच्छा, कोई रीजन है जहां से फोकस्ड हैं आपके ब्यूटिशियंस काफी? सो दिल्ली एनसीआर में वी आर डूइंग 60%। वी आर अवेलेबल इन 45 सिटीज, डूइंग 70,000 बुकिंग्स ऑन अ मंथली बेसिस। थोड़े से आप मुझे अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैट्रिक्स बता सकते हैं? आप कितने कस्टमर सर्विस करते हैं? ये रिपीट वाला बिजनेस है तो द ओनली रीजन व्हाई वी आर स्टैंडिंग हियर बिकॉज़ हमारा कस्टमर रिपीट इज 80%। 100 लोग आए हैं तो 80 में से रिपीट करेंगे या रेवेन्यू का 80% इज रिपीट फ्रॉम रेवेन्यू। अगर 100 लेडीज आपके साथ इस महीने सर्विस कर रही हैं, अगले महीने कितनी परसेंटेज सर्विस लेंगी? नेक्स्ट क्वार्टर इट दैट नंबर वुड बी अराउंड 40। तो आप यूनिवर्स यूज कर रहे हैं, आप कोहॉर्ट की बता रहे हैं। राइट। रिपीट रेट परसेंटेज अक्सर जब पिक्चर्स आके शेयर करते हैं तो वो होता है कि उनके रेवेन्यू का कितना परसेंटेज रिपीट कस्टमर से आया है। जब इन्वेस्टर्स रिपीट रेट देखते हैं तो वो ये देखना चाहते हैं कि उनका मंथली कोहॉर्ट रिपीट कैसा है, यानी अगर 100 कस्टमर्स ने एक महीने में खरीदा तो उसमें से कितने कस्टमर्स ने अगले महीने खरीदा, कितने ने 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने में आके खरीदा, उसे करते हैं कोहॉर्ट रिपीट परसेंटेज। दिस मींस दैट आपका रिपीट तो अच्छा है पर आपका न्यू कस्टमर एक्विजिशन बहुत हाई नहीं चल रहा है इस टाइम पे। So हमारा 92% users, 80% repeat है, 12% हम organically हम लेते हैं और 8% हमारे paid customers आते हैं। New कम चल रहा है आपके साथ। Because हमारा जो branding का budget है वो limited है। तो ये जो question आया था कि आप profitable क्यों हैं और बाकी because they वो अभी भी aggressively new customer acquisition कर रहे हैं, उस पे खर्चा लग रहा है, आपने वो अभी slow down कर दिया। नहीं, हमने slow down नहीं करा है, हम growth भी chase कर रहे हैं because we are continuously growing, but not at the sake of bottom line. आपका क्या प्लान है अभी? How do you want to go about it? I think कि आज से 5 साल के बाद we can easily touch 500 करोड़ का revenue run rate. Every city 20x grow कर सकते हैं. हमारी जो ये product range है, ये हमारे खुद के white labeled है. इसे भी हम market में push कर रहे हैं धीरे-धीरे. Thirdly, हम सैलून इंडस्ट्री की जो और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हेयर की प्रॉब्लम्स, हम उन सर्विसेज को भी कैटर करना चाहते हैं डाउन द लाइन इन नेक्स्ट 5 years. तो आप यहाँ शार्क टैंक पे क्या लेने आए हैं? हम लोग अभी तक एक ब्रांड बनाने में नाकामयाब हुए हैं. यस मैडम एक हाउस होल्ड नेम नहीं बन पाया है. वहाँ हम लोगों को आपकी एक्सपर्टीज चाहिए. आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने ब्रांडिंग में उतना बढ़िया काम नहीं किया जितना शायद आपके कंपेटिटर ने किया. 1000 करोड़ रुपए थे उनके पास तो ब्रांड पे खर्च कर तो सकते आपने थे. क्यों नहीं ले लिए 100-200? सर वी ट्राइड बट पीपल वर स्टिल स्केप्टिकल कि आई कांट बिलीव कोई आपको फंडिंग नहीं दे. अगर आप फंडिंग लेना चाहते थे ऐसे नंबरों के साथ 50 करोड़ पे तो फंड्स भी आपको फंडिंग देंगे. तो आप मुझे जरा लास्ट 6 मंथ्स का मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू स्केल अप बताओ. मेरा 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, 3.2 करोड़ एंड 4 करोड़ and 4.05 crores and last one was 4.5 crores. Business में stagnation आ रही है of growth. जैसी growth लाना पड़ेगा पैसा खर्च करना पड़ेगा. जैसी पैसा खर्च करेंगे profitability से non profitability चली जाएगी. नहीं I believe कि ये category creation UC ने 1000 करोड़ पे खर्च करके create कर दिया है. अभी हमें सिर्फ एक awareness पहुँचानी है और एक brand create करनी है. इस business में भी अगर कोई Zomato है तो Swiggy होना ही होना है. 5 साल बाद अगर आप ये कंपनी चलाना चाहते हैं, फैमिली बिजनेस, क्योंकि आप 3 रिलेटेड हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर ला रहे हैं, तो वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा. हमारे पास अभी तक 2 एक्विजिशन ऑफर्स आए थे. किससे आए थे? स्ट्रैटेजिक. मैं नाम नहीं बता सकता. Okay. तो मैं अपनी वाइफ के साथ या ब्रदर के साथ डिस्कस कर रहा था तो मेरे छोटा बेटा था, उसने बोला पापा आप बिजनेस बेचना मत. तो फ्रॉम देयर आई रियलाइज कि मुझे ये लेगेसी क्रिएट करके रहनी है. आकांक्षा अर्पित आपसे पूछता हूँ, आप भी अलाइंड हैं इस विजन से. सो बिजनेस को बड़ा बनाना है. इन द नेक्स्ट 5 years एक आईपीओ होगा तो ऐसा नहीं है कि जो लोग आएंगे यहाँ पे उनको एग्जिट नहीं मिलेगा. पर आप फंडिंग लेने जा रहे हैं राइट? नहीं मिल पा रही ना. आपने कोशिश की है? हमने कोशिश करी है, हमारे पास टर्म शीट आई हुई है बट हमें राइट वैल्यूएशन भी नहीं मिली तो हमने उसको अभी रिजेक्ट कर दिया. कैन आई आस्क द वैल्यूएशन आल्सो? दैट वाज 150. Okay. And you rejected it. You rejected. हम लोगों ने मना कर दिया. यही तो प्रॉब्लम है. ऑलरेडी टाइम बीतता जा रहा है मार्केट में. एक सिग्निफिकेंट जब गैप हो जाता है ना बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर में, ये फंडिंग और ड्राई अप होती चली है. एट दिस पॉइंट आप वैल्यूएशन सेंसिटिव रहना चाहते हैं या यू वांट टू टेक सम मनी एंड गो to the next level? Not because of the valuation, वो table पे कुछ और लेके नहीं आ पा रहे. मतलब we were not sure कि वो हमारी growth story में एक part बन पाएंगे. मेरे को एक चीज खटक रही है थोड़ी सी. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग investor friendly entrepreneurs नहीं. आप कह रहे हो कि वो valuation ठीक नहीं दे रहा, आपके पास investment है नहीं. आपके बेटे ने बोला कि पापा इसको नहीं बेचना तो आपने बोला कि चलो मैं नहीं बेचता. छोटे बेटे ने इन्वेस्टर को पैसा बोल रहा हूँ मैं वापस नहीं देना चाहता, वो कह रहे थे वापस दे दो. आपकी ड्यूटी होती है कि आप किसी से पैसे लो, उसे वापस करना है. कभी कभी जब इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती ना तो लोग बोलने लगता है कि हमें वैल्यूएशन ठीक नहीं मिली, हमारा मन नहीं. यस सो आई डोंट थिंक आई विल मेक मनी ऑन दिस डील. मुझे नहीं लगता आप एग्जिट दे पाएंगे. इंक्रीमेंटल पैसे डालेंगे तो वही आप दूसरे कंपेटिटर वाली ट्रेडमिल पे आ जाएंगे. थोड़ा मैं अमन से अग्री करती हूँ. आई एम नॉट क्लियर कि आप लोग इन्वेस्टर फ्रेंडली हो या एक्चुअली इन्वेस्टमेंट चाहते भी हो. सो आई एम आउट फॉर दैट रीजन. कैन यू वेट फॉर 1 मिनट टाइम? श्योर. 1 सेकंड ना, नहीं रुको रुको आप, मैं भी आ रहा हूँ. इससे ये सब प्रोडक्ट आपने बनाए ना? जी जी मैम. ये कंपेटिटर आ रहा है आपका. 7 साल में ऐप बना दिया, बेटर प्रोडक्ट्स बना दिए, 2 मिलियन डाउनलोड है हमारी ऐप के. आप कहाँ से आ गए? आप हमारी सारे सीक्रेट आ गए. आप उधर बताते हो कि आप उधर के पैसे डबल करो. हम कैसे बिलीव करें? आप जासूस नहीं हो. चलो यार एक ऑफर आ रही है, तो हम आपको एक डील देते हैं, 4 शार्क आएंगे आपके, पीयूष, विनीता, रितेश और मैं। हम आपको देंगे 1.5 करोड़ रुपए, बट हम आपको 3% इक्विटी के लिए आएंगे हम, प्लस हम रॉयल्टी लेंगे 2% ऑफ नेट सेल्स, जब तक हमारे ये 1.5 करोड़ वापस नहीं आ जाता। कैन वी हैव अ डिस्कशन? यस, वी शुड हैव अ डिस्कशन। कैसा रहा ऑफर? Sharks, thank you so much for the offer. 50 crores valuation in a 30 crores GP profit business, it's way too less, like बहुत ज़्यादा कम है. So Sharks, हमारा counter offer है 1.5 करोड़ के investment पे 1% equity and 1% royalty. No madam. अभी जो आपका stage है ना business की, this is a very high risk investment. राधिका तो बाहर बैठ गई थी, वो reason जो उनके पास है वो हमारे पास भी है. Can we do it with 2%? 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 2% ऑफ इक्विटी एंड 1% रॉयल्टी. मुझे पर्सनली इसमें खाली एक ही रिस्क लग रहा है, जो रॉयल्टी है ना, वी मे नेवर सी आवर मनी कमिंग बैक. सर क्यों नहीं आएगी? वो तो आपकी सेल्स पे है ना, वो सेल्स पे है ना. 50 करोड़ का 1% तो 50 लाख होता है ना. इट विल टेक 3 years एट दिस रेट. तो वो थोड़ा बढ़ा देते हैं ना रॉयल्टी. फाइनल ऑफर जो हमारा है वो है आपको हम 1.5 करोड़ हम चारों देंगे और 2% ऑफ योर बिजनेस. इसके अलावा हमारी रॉयल्टी जो बनेगी वो होगी 2% ऑफ नेट रेवेन्यू अप टू 1x ऑफ हमारा इन्वेस्टमेंट कमिंग बैक. ये हमारी तरफ से डील डन है, तो बोलिए यस मैडम. थैंक यू. गुड जॉब, गुड जॉब. Thank you so much. I am very excited about this deal. Yeah, I am. Super excited. Money will come back. I hope. अरे सचिन, यहाँ उधर वॉशरूम में कितनी बदबू आ रही थी नहीं? हाँ यार, मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था. वॉचमैन ने कहा जहाँ से बदबू आ रही है सूंघते सूंघते चले जाओ, वॉशरूम अपने आप मिल जाएगा. सच में? मतलब इस 100 ml सूसू के लिए हम ये बाल्टी भर पानी बहा देते हैं. एक यूरिनल के पीछे 1 साल में लगभग 50,000 से 1.5 लाख लीटर तक पानी हम वेस्ट करते हैं. एक तरफ हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 करोड़ लोगों के पास पीने तक पानी नहीं है. इस बदबू और गंदगी के लिए हम क्या कुछ नहीं करते. पानी फ्लश करते हैं, कई अलग अलग तरीके के केमिकल क्लीनर्स यूज करते हैं, फ्रेग्रेंसेस तक यूज करते हैं, लेकिन बदबू वहीं की वहीं रह जाती है. हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो ये सैनिटेशन सिस्टम है ये मौत की कगार पर है. और शार्क्स, जब मौत आती है तो हम क्या करते हैं? CPR देते हैं, राइट? यही काम हम हमारे जीरो डोर प्रोडक्ट्स के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है सचिन और मैं मुंबई से हूँ. और मैं हूँ उत्तम बैनर्जी और मैं अहमदाबाद से हूँ. हम दोनों फाउंडर्स हैं जीरो डोर के. शार्क्स, इन प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस के थ्रू हम हमारे सैनिटेशन सिस्टम को एक CPR देने की कोशिश कर रहे हैं. CPR मतलब कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर. कंजर्व, जहाँ हमने एक ऐसा यूरिनल बनाया है जिसमें ना तो पानी यूज होता है और ना ही कोई बदबू आती है. प्रोटेक्ट, जहाँ हम हमारे जीरो डोर केयर के क्लीनिंग सॉल्यूशंस के थ्रू जो नेचुरल हैं, हम अपने वाटर बॉडीज को कंटामिनेट होने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रह सके. और रीस्टोर, जहां हम हमारे स्पेशली फॉर्मुलेटेड बैक्टीरियल कल्चर्स के थ्रू सीवेज को ट्रीट करते हैं और उसमें से वाटर और न्यूट्रिएंट्स रिकवर करते हैं ताकि हम इसको नदियों में जब ये छोड़ें तो वो उसको पल्यूट ना करें. अब तक हमने 30,000 से भी ज़्यादा जीरो डोर वाटरलेस यूरिनल्स इंस्टॉल किए हैं और इसके ज़रिए सेव किया है 100 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा पानी. हम दिल से ये मानते हैं कि अगर जल है तो कल है और इसी फिलॉसफी को हम हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं. शार्क्स, हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपये और 3% ऑफ अर्निंग. तो शार्क्स, बदबू भगाओ, पानी बचाओ और हर टॉयलेट में जीरो डोर लगाओ. सचिन, उत्तम, आपका शार्क टैंक में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने इसकी शुरुआत पानी बचाने से की कि स्मेल कम करने से की? इसकी शुरुआत एक्चुअली मेरी शादी हुई उसके बाद हुई। तो मैं एक झारखंड के एक बहुत ही छोटे से गांव में पला बड़ा, मिट्टी की घर, यू नो, फुल ग्रीनरी, बहुत ही खूबसूरत सी नदी, तो उस तरीके की चीज़ें थी वहाँ पे, लेकिन टॉयलेट्स नहीं थे। तो जब शादी हुई 2010 में, तो मैंने मेरी वाइफ से कहा कि गांव चलो, मैं तुम्हें गांव घुमाता हूँ, बहुत खूबसूरत है। द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड कि टॉयलेट है क्या वहाँ पर, एंड मेरा जवाब सुनते ही उसने बोला कि नहीं, अगर टॉयलेट नहीं है तो मैं नहीं आ सकती। जब वहाँ पे मैं अकेले पहुँचा तो वो जो बचपन की खूबसूरत यादें थीं, जिनमें टॉयलेट्स कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था, वो सारे चेंज हो गए। नदी काफ़ी अलग हो चुकी थी, यू नो, घर पे टॉयलेट्स थे लेकिन लोग यूज़ नहीं करते थे, लोगों को बहुत इन्फेक्शंस वगैरह हुए थे, तो उन्होंने उसको एज अ स्टोरेज बना रखा था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब छोड़ करके ये स्टार्ट करूँगा, सैनिटेशन के ऊपर कुछ मीनिंगफुल काम करूँगा। वेरी इंटरेस्टिंग। आपने शुरुआत कब करी? 2013 में शुरुआत करी। एक चीज बताओ, ये है क्या? मेरे को अभी जैसे मैं यहाँ समझ रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या है? मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अभी ये एक यूरिनल एक बार में तकरीबन 1.5 लीटर से 2 लीटर, कुछ जगह पे 3 लीटर भी पानी फ्लश करता है। जब यूरिन यहाँ से फ्लो करता है तो ये नॉर्मली एक थ्रू एंड थ्रू ड्रेन होल से कनेक्टेड होता है ये यूरिनल पैन। तो यूरिन के पास होने के बाद ड्रेन लाइन में जब यूरिन ड्राई होती है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है विच रिलीजेज अमोनिया। तो अमोनिया ही है वो बदबू जो हमको एक्चुअली फील होती है, और वो अमोनिया को एक पैसेज मिल जाता है वापस वॉशरूम में आने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा रेट्रोफिट अरेंजमेंट बनाया है जो किसी भी कन्वेंशनल नॉर्मल कमर्शियली अवेलेबल यूरिनल में ये फिट हो जाता है, और इसके अंदर एक मैकेनिज्म है जो बेसिकली एक वन वे पैसेज क्रिएट करता है। तो ये यूरिन को तो ड्रेन लाइन में फ्लो होने देता है, लेकिन जो गैसेस वगैरह जनरेट होती है उसको ये वापस नहीं आने देता। सो दैट्स हाउ इट क्रिएट्स अ ओडरलेस एनवायरनमेंट, और उसके वजह से पानी की जरूरत नहीं पड़ती। So you put this, ये जो आपका प्रोडक्ट हाथ में, आप इसको existing urinal में डालते हैं। existing urinal में डालते हैं। और ये एक बार इंस्टॉल कर लिया तो ये रिप्लेस नहीं करना पड़ता। रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। इसकी लाइफ कितनी होती है? ये अभी जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं ऑलरेडी, वो लगभग 10-12 साल से ऑलरेडी चल रहे हैं। इनफैक्ट इसकी लाइफ खत्म होने से पहले लोगों को पैन रिप्लेस करना पड़ जाता है। पर इसमें काफी ब्रांड्स के आते हैं वाटरलेस यूरिनल्स। जो भी कंपटीशन में आप प्रोडक्ट्स देखेंगे उनमें एक जेल होता है, और वो जेल धीरे धीरे वॉश अवे हो जाता है बिकॉज आप यूरिनेट करते हैं, क्लीन भी करते हैं, फिर वो एक कार्ट्रिज आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। दैट बिकम्स अ रिकरिंग कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर। उनकी इफेक्टिवनेस और आपके में डिफरेंस है? हमारी एक्चुअली उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर एफिशिएंसी की बात करूँ तो नॉर्मली जो हम अमोनिया इनहेल करते हैं या फील करते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 15 to 20 ppm होती है, पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन इस केस में इसकी एफिशिएंसी अराउंड 0.1 ppm है। दिस मैकेनिज्म इज आपका पेटेंटेड है? ये पेटेंटेड है। तो ये जो आपने इस तरफ देखा ये मेल के लिए था, राइट? वुमेन के लिए चैलेंजेस अलग आती हैं। फर्स्ट इज जो हमारा पोस्चर है, वी मोस्टली स्टैंड एंड पी, राइट? बट वुमेन दे हैव 2-3 डिफरेंट पोस्चर्स। हम लोगों ने मैकेनिज्म को मॉडिफाई किया एंड ये पूरा का पूरा एक पैन हमने डिजाइन किया जो अर्गोनॉमिकली काफ़ी कंफर्टेबल है स्पेसिफिकली फॉर यूरिनेशन, और इसके अंदर भी एक ओडर कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है। और ये बेसिकली वो मैकेनिज्म है, जैसे ही यूरिन इसके अंदर जाता है ये इस तरीके से फ्लैप इसके ओपन होते हैं, राइट? एंड यूरिन जाने के बाद ये वापस ऐसे क्लोज हो जाता है एंड देन इट ब्लॉक्स द ओडर। अगर आपको जैसे कॉर्पोरेट बाथरूम में लगाना है तो आपको ये विमेन की यूरिन के लिए अलग लगाना पड़ेगा, डेफिकेशन के लिए अलग लगाना पड़ेगा, करेक्ट? जी। तो स्पेस आपकी दुगनी यूज होगी। जी। मेरे हिसाब से आप इसको नहीं, अपने कोर उस पे फोकस करो, नहीं तो फिर आपको सारी प्रॉब्लम उस पे आ जाएगी। तो अभी आपका एक न्यू इनोवेशन आपने कर दिया है। और ये क्या है जो ये प्रोडक्ट्स पड़े? अच्छा, यहाँ हैंड वॉश भी है? जी, यस, एवरीथिंग। तौलिए नहीं बनाया अभी तक। So, ये जो सारे प्रोडक्ट आप भी आपके हाथ में देख रहे हैं ये सारे बैक्टीरियल, एंजाइमिक और ऑर्गेनिक हैं जो कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल हैं। बट आपने 10 साल पहले जब स्टार्ट किया था इन दोनों के साथ किया, ये कब स्टार्ट किया? ये हमने 2018 के बाद इस पे काम करना चालू किया, और ये स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि जब हम टॉयलेट में काम कर रहे थे तो हमें 2 और मेजर प्रॉब्लम पता चले। एक तो क्लीनिंग का, और दूसरा क्लीन होने के बाद जो भी वेस्ट निकलता है वो स्लज जहाँ पे भी जाता है उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से हमने फिर कंप्लीट एंड टू एंड सैनिटेशन के सिस्टम में एक सोल्यूशन देने का वो भी बनाया है। जी। वो क्या है? ये जो कल्चर्स हैं ये बैक्टीरियल कल्चर्स हैं। ये भी बना दिया, बहुत बढ़िया। इसका जो कस्टमर है वो तो एक ऑफिस होगा, उसको ये जो आपका गैजेट है ये कितने का पड़ता है और ये जो आप कार्ट्रिज है वो कितने की पड़ती है, कितनी फ्रीक्वेंटली रिप्लेस होती है, तो कॉस्टिंग का क्या फर्क है? अगर आप कार्ट्रिज सिस्टम लगाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग 15,000-20,000 के आसपास से स्टार्ट होती है। हाँ, ये है कि उसमें आपको पैन भी साथ में मिलता है। और ऑनगोइंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2,000, 2,500, 3,000 अलग अलग टाइप के पर कार्ट्रिज। कितनी बार रिप्लेस करनी पड़ती है? ऑलमोस्ट मंथली आपको या बाय सो अबाउट 20,000 आई विल स्पेंड अप्रोक्सीमेटली, यस। और इसमें हमारे पास दो वेरिएंट है, एक प्लास्टिक और एक स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील वेरिएंट प्राइस्ड है 5,000 पे और ये प्लास्टिक वेरिएंट प्राइस्ड है 3,000 पे। जिस हिसाब से प्राइस डिफरेंस आप बता रहे हैं तो इसका मतलब तो हाफ ऑफ इंडिया वुड बी योर कस्टमर नाउ, राइट? अभी हमारे ऑलमोस्ट 700 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। मैम एडलवाइस भी एक वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। एडलवाइस आपका क्लाइंट है? टाटा ग्रुप। Then we have now PVR and Inox is also tying up with us. उनका annual contract हो चुका है, so धीरे-धीरे deploy हो रहे हैं। McDonald's है, we have DCB Bank, DHL। आपने उनको एक बार 5,000 रुपए का ये solution दे दिया है, assuming commercial में लोग steel का ही लगाते होंगे, तो उसके बाद तो अब आपका business खत्म हो गया उनके साथ, right? It is one time। उसके साथ बहुत बार drain line cleaners और बाकी के प्रोडक्ट्स एज अ एड-ऑन्स जाते हैं। ये आपने अभी इसीलिए ये वाले कैटेगरी में आप घुसे क्योंकि रेकरिंग इनकम नहीं थी। ये रेकरिंग थोड़ा मार्केट के बारे में बताएंगे? तो इंडिया में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। कार्ट्रिज वाले वाटरलेस यूरिनल्स का 16,000 करोड़ का मार्केट साइज है। आपका तो अब मार्केट जो आप बना रहे हो वही हुआ ना? यस, यस। सेल्स बता दो। एक्चुअल रेवेन्यू जनरेशन इन वाटरलेस यूरिनल हमारा 17-18 से शुरू हुआ, तो 17-18 में हमने 1.96 CR का सेल किया। 18-19 में वो 2.1 CR पे चढ़ गया। फिर 20-21 में फिर से लॉकडाउन की वजह से थोड़ा गिरा और 1.6 पे आ गया। 21-22 में हमने फिर से 2.1 CR किया और 22-23 में हमने 2.8 CR किया। थोड़ा नफा भी बताएंगे जरा? लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिटेबल था, अबाउट 7% के आसपास का नेट प्रॉफिट था हमारा। 15 लाख के आसपास, 18 लाख के आसपास प्रॉफिट था हमारा। 10 साल में लगा के आपने 2.5 करोड़ का धंधा ही तो बनाया। इतना स्लो क्यों बढ़ रहा है बिजनेस? आपका तो कॉस्ट सेविंग इतना सारा है, 5,000 रुपए वन टाइम वर्सेस 15,000 रुपए पर साल। आपका तो बहुत बढ़ना चाहिए बिजनेस। जी राधिका और पीयूष, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला ये कि जब हमने स्टार्ट किया था तब वाटरलेस यूरिनल का मार्केट पोटेंशियल इतना नहीं था क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी। आपका तो एक कॉर्पोरेट 500 टॉयलेट में 25-30 लाख का रेवेन्यू आ जाएगा। हमारी बिल्डिंग में मुझे लगता है 500 टॉयलेट होंगे। तो आपका तो हर कॉर्पोरेट से किसी से 25 लाख, किसी से 1 करोड़ का रेवेन्यू होगा। आपका टोटल रेवेन्यू 2 करोड़ आ रहा है। समथिंग इज नॉट एडिंग अप। सो बेसिकली क्या हुआ कि हमारी सेल्स ग्रो हो रही थी बिफोर कोविड एंड देन कोविड का जो फेज आया उसमें B2B के इम्पैक्ट की वजह से हमारे केस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि B2B धीरे धीरे रिवाइव हुए, लेकिन उनका जो फोकस था कि वो सैनिटेशन सेक्टर में या वाटर सेविंग या सस्टेनेबिलिटी के केस में इन्वेस्ट करेंगे, वो काफ़ी लेट आया। वो इनफैक्ट लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत ऊपर आने लगा है। और अभी आज इस साल के रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक हमने अराउंड 2.3 करोड़ विदाउट टैक्सेस कर लिए हैं। बट इससे आई डोंट अग्री क्योंकि अगर आप बोल रहे हो 16,000 करोड़ का मार्केट है तो कितनी भी फास्ट ग्रो कराओ ये मार्केट, फिर भी 5 साल पहले ये मार्केट एटलीस्ट 7-8 हज़ार करोड़ का तो होगा। तो आप क्यों नहीं और तेज बढ़ पाए? हमारे पास वो उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उस तरीके से डिप्लॉय कर पाए। नहीं, रिसोर्सेज में प्रॉब्लम क्या होता था? मैन्युफैक्चरिंग बॉटलनेक था कि सेल्स नहीं होती थी या वर्किंग कैपिटल या फिर वो ये था कि इसकी वजह से बढ़ा। ये जो हमने प्रोडक्ट शुरू करे इसकी वजह से बढ़ा। जो क्लीनिंग सॉल्यूशंस हैं उसने भी काफी कंट्रीब्यूट किया। स्प्लिट क्या है? तीनों वर्टिकल्स का ऑलमोस्ट इक्वल डिवाइड है, 33% एवरीवन। इसका बिजनेस तो 10 साल में 80 लाख का ही बना। वही तो सर। पर आपके पास तो बहुत बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं। मैं बड़े-बड़े बैंक्स के आप नाम दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है 80 लाख का बिजनेस बना इस चीज का बस। यस, नहीं इस साल अभी तक लास्ट 6 महीने। हाँ, मतलब वो 16,000 करोड़ में आपका 0.005% का मार्केट शेयर है, तो मतलब सही नहीं लग रहा है। तो क्यों? दाल में कुछ काला है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो पानी बचाने का जो फिलॉसफी है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है, इसकी अवेयरनेस। डिसएग्री। वाटरलेस बड़ा है मार्केट तो वाटर सेविंग के लिए ही तो है ना। आप एक बात बताइए, आप जब डेमो करते हैं किसी कॉर्पोरेट को उसके बाद आपका कन्वर्जन रेट क्या होता है? पूरे कन्वर्जन की मैं बात करूँ तो इट्स अराउंड 6 to 8 मंथ्स। कैश कितना आपके पास आज? कैश अराउंड 80 लाख के आसपास है। आपने कोई कैपिटल रेज किया पहले? कैपिटल रेज किया है। कितना रेज किया? 2 करोड़। ये हमने 2016 में रेज किया था। कितना ओनरशिप दिया आपने? हमने 15%। आप दोनों के पास कितना कितना है? मेरे पास 42.73 है, मेरे पास 35% एंड IIT दिल्ली है जिसके पास 4.25% है, हम वहाँ पे इंक्यूबेटेड थे। पीछे लिखा है कुछ आईआईटी। हम वहाँ पे इंक्यूबेटेड थे 2013 से 2015 और एक मेरे मेंटोर हैं, एडवाइजर हैं और शुरुआती दिनों में उन्होंने भी हमें हेल्प किया था फाउंड करने में, तो उनके पास 3% है। ही इज ए प्रोफेसर एट IIT दिल्ली। तो 2016 से 2023 तक आप इन्वेस्टर्स के पास गए ही नहीं? नहीं। आपको नहीं लगता कि आप में जो जिन्होंने 2 करोड़ डाले थे उनका भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहुंच गया है 5 करोड़ पे, तो उनको थोड़ा कुछ एग्जिट या कुछ पे बैक करने का जरूरत है? बिल्कुल है, मैं मानता हूँ बिल्कुल है। तो वो प्रेशर नहीं फील होता? बिकॉज ऐसे मुझे तो एज जब मैं फंड रेज करती हूँ उसके बाद ऐसा वो एक क्लॉक स्टार्ट हो जाता है, टिक टॉक टिक टॉक। ये हमने म्यूचुअली डिस्कस किया था इन्वेस्टर्स के साथ ही और हमने यही डिसाइड किया है कि लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द नंबर्स, कि पॉजिटिव फिगर्स अचीव किए जाए एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंड रेज अगेन। देखिए मैं आज इससे बाहर हूँ, मुझे ना अभी भी समझ नहीं रहा है कि प्रॉब्लम क्या है और इसलिए मुझे थोड़ा कंफर्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा है। अगर कोई भी बिजनेस जो 7 साल 2 करोड़ एक इन्वेस्टर के लेके बैठा है तो कुछ तो प्रॉब्लम हुई है बहुत बड़ी। तो आई विश यू द बेस्ट। आज के लिए मैं बाहर। थैंक यू। मुझे टॉयलेट इस प्रेम खत्म है, कोई प्रेम नहीं आ रहा। मैं आउट हूँ और अपना धंधा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, थोड़ा मज़ा नहीं आया। आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपके पास वाटरलेस यूरिनल है, आपके पास ये कॉन्सेप्ट है विमेन का और तीसरा आप ये बाकी प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में है जो एक D2C FMCG प्रोडक्ट है, इसमें आप हार्पिक हैंड वॉश है मेरे साथ किन किन के साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप अगर आपका विनर प्रोडक्ट है तो वो ये है वाटरलेस यूरिनल। आप इस पे सिर्फ फोकस करके इसको बढ़ाइए। मैं आउट हूँ। मुझे लगता है कि आपने अपने बिजनेस का ट्रू पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया। आप पिक करिए कोई एक और उसमें कहिए मैंने ना 1000 करोड़ का बिजनेस बनाना है, फिर आप देखना कि सब लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे जितने आपके आसपास में आपको वो बिजनेस बनाने के लिए। पर आज के दिन में वो अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं है, उसके कारण मैं आउट हूँ। जिस दिन आपका फाइनलाइज हो जाए आप प्लीज मुझे रीच आउट करिएगा, आई विल ट्राई एंड सपोर्ट। श्योर, थैंक यू रितेश। मेरे को क्या लगता है ना कि आपका जो पर्पस एंड पैशन बहुत अच्छा था। आपने शुरू में आके बोला, स्टोरी बताई आपने कि आप विलेज में थे, प्रॉब्लम है वाटरलेस यूरिनल की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट और कहीं ना कहीं डेप्थ भी है आपके डिजाइन में। कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत हैं, तो आई थिंक यू नीड अ थर्ड पर्सन जो सेल कर पाए। That is Peyush. नहीं, that will not be me. You'll have to hire. तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ। मेरी कंडीशन है, आपको बाकी बंद करना पड़ेगा। ये जो है ये बिजनेस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन योर 1 करोड़ बिजनेस विच हैज हैपेंड दिस ईयर, विच आई एम अज्यूमिंग विल बिकम 2 करोड़। डबल कर देंगे H2 में जाके, तो 2 करोड़ का रेवेन्यू मैं आपका कंसिडर कर रहा हूँ। माई ऑफर इज 1 करोड़ 10%। Only 2 conditions. Wo finish the other business, get a CXO. Thank you so much, Peyush, for the offer. इसमें एक चीज कर सकते हैं क्या? Instead of 1 crore for 10%, can we do 1.5 crore for 10%? No, I cannot. See, your current business, 2/3 of the business I am shaving away. Or else, then 1 crore for 6.5%. एक ही offer है. It is an offer to support this cause, and मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। So thank you so much for the offer, but I don't think कि हम ये accept कर पाएंगे। ठीक है, that is your choice, but best of luck. Thank you so much. Thank you. Keep on building, keep on saving water. Thank you, Sachin. Thank you. शार्क्स, अभी एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। पता चला है कि 3 लोग कॉफी पीते पीते गायब हो गए। विनीता जो मुंबई से इथोपियन कॉफी पी रही थी, वो इथोपियन कॉफी पीते पीते इथोपिया चली गई। इथोपिया पहुंच। अमन जो दिल्ली में ब्राजीलियन कॉफी ब्रू कर रहे थे, वो ब्राजील चले गए। और राधिका जो कर्नाटका की कॉफी पी रही थी, वो कर्नाटका चली गई। तो हमारे साथ जुड़े हैं ऋषभ और बताएंगे इस बारे में थोड़ा और। नंदिनी, ये तो होना ही था। वो टॉफी कॉफी रोस्टर्स की कॉफी जो पी रहे थे, ये कॉफी इतनी ऑथेंटिक है कि पीते ही आपको ऐसा लगेगा कि जहां की ये कॉफी है आप वहीं पहुंच गए हो। साइनिंग इन ऑन शार्क टैंक इंडिया। मेरा नाम है ऋषभ। मेरा नाम है नंदिनी और हम आए हैं बैंगलोर से। हम हैं फाउंडर्स टॉफी कॉफी रोस्टर्स के। टॉफी कॉफी रोस्टर्स एक स्पेशलिटी कॉफी ब्रांड है जहां पर आप ग्राउंडेड कॉफी, हॉट ब्रू कॉफी, कोल्ड ब्रू कॉफी, फिल्टर कॉफी और स्पेशलिटी इंस्टेंट कॉफी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी कॉफीज दुनिया के अलग अलग कॉफी रीजन से सोर्स की गई हैं। एक फन फैक्ट ये है कि इंडिया कॉफी प्रोड्यूसर्स में वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है, लेकिन इंडिया से कोई भी कॉफी ब्रांड नहीं है जो ग्लोबली टॉप 10 में आता है। तो हमारा विजन है टॉफी कॉफी रोस्टर्स को टॉप स्पेशलिटी ब्रांड बनाना, जिसके लिए हमारी आस्क है 60 लाख फॉर 2% ऑफ इक्विटी। देखिए, मैंने आज तक जिंदगी में कभी कॉफी नहीं पी है, सो इट विल बी माय फर्स्ट टाइम। ओह माय गॉड, थोड़ा आराम से पीना। हाँ, कौन सा रेकमेंड करोगे आप? तो ये हमारा सिग्नेचर फ्लेवर है विस्की बैरल एज्ड कॉफी। इंडिया में सिर्फ हम करते हैं, बाकी ये मैसूर नगेट से इट्स अ डार्क रोस्ट। देखिए, मैं अल्कोहल भी नहीं पीते, कॉफी नहीं पी है और मैं दिन में 5 कप कॉफी पीती हूं। थैंक यू। मैं आपको थोड़ा हेल्प करती हूं। आप जस्ट इसको टियर करके इससे सैशे निकाल सकते हैं। स्मेल्स गुड। अब इसको हम ऐसे टियर कर सकते हैं, आप इसको ऐसे एंकर कर सकते हैं, अब इसको कप और आप इसको ऐसे पोर कर सकते हैं। ऋषभ आपको हेल्प करेगा पोर करने के लिए। कितना टाइम इसको ब्रू करना है? 1-2 मिनट। 2 to 3 मिनट्स मैक्स। कॉफी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैंक यू। कॉफी अच्छी है। लिसनिंग फ्रॉम यू मास्टर सर। थैंक यू। और आपने मुझे पहली बार कॉफी पिला दी। वेल डन। थोड़ी चॉकलेटी सी। हाँ, माइसोर नगेट्स डार्क रोस्ट है और चॉकलेटी और नटी टेस्ट करती है। ये जो कॉफी मार्केट, ये कितना बड़ा है? तो इंडिया का कॉफी मार्केट क्लोज टू 14,000 से 15,000 करोड़ का है, जो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक आउट ऑफ होम कॉफी मार्केट और एट होम कॉफी मार्केट। ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज टू 50-50% का है। आउट ऑफ होम कॉफी मार्केट में ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं जैसे कि CCD, स्टारबक्स, फॉलोड बाय न्यू एज कॉफी ब्रांड्स। एट होम कॉफी में 70% मार्केट इज कैप्चर्ड बाय ट्रेडिशनल ब्रांड दैट इज नेस्कैफे एंड ब्रू, और वो हमको लगता है कि ये डिसरप्ट हो सकता है। ब्रू एट होम वाले मार्केट में इंस्टेंट कॉफी कितना परसेंटेज है? ऑलमोस्ट 90-95%। आज की डेट में एट होम कॉफी मार्केट में 90% इज द इंस्टेंट कॉफी मार्केट। 90% इज इंस्टेंट। देन आपको इंस्टेंट कॉफी ब्रांड पे फोकस करना चाहिए जैसे रेज कर रहा है, बिकॉज इंस्टेंट कॉफी में द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर इज फ्लेवर्स, राइट? तो वो 50 टाइप्स के इंस्टेंट फ्लेवर्स निकाल। दिस इज आल्सो इंस्टेंट कॉफी। सो दिस इज नॉट इंस्टेंट, दिस इज ब्रू। तो हमारे पास एक रेंज है स्पेशलिटी इंस्टेंट कॉफी, जो इंडिया का सबसे पहला स्पेशलिटी इंस्टेंट कॉफी ब्रांड है, जहां पे हमने ओरिजिन को डिक्लेयर करते हुए बहुत हाई ग्रेडेड बीन्स जैसे कि आई एग्री, बट सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपके सारे SKUs तो ये वाले हैं। एक इंस्टेंट कॉफी से आप वो मार्केट जो 90% इंस्टेंट कॉफी है वो कैसे जीत सकते हो? पहले ये कि हमारा फोकस स्पेशलिटी कॉफी पे है जो मेजरली ग्राउंडेड ही है, जिसमें स्पेसिफिकली हमको लगता है ये जो इजी ब्रू सैशेस है वो काफी पिक कर रहे हैं क्योंकि लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो आई थिंक दोनों करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, हम अपग्रेड कराना चाहते हैं और एट होम स्पेशलिटी कॉफी का मार्केट आज 1000 करोड़ से कम होगा। मार्केट बहुत छोटी है, आप लोगों को ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपके नंबर से पता लग जाएगा। बताना जरा। हमने स्टार्ट किया था 2019 में एज अ कैफे। उस साल हमारा रेवेन्यू था 25 लाख। नेक्स्ट ईयर हमने D2C में पिवट किया अपने बिजनेस को। उस साल हमारा रेवेन्यू था 45 लाख। थर्ड ईयर वी क्रॉस्ड 1.3 करोड़ ऑफ रेवेन्यू बाय लॉन्चिंग मोर प्रोडक्ट कैटेगरीज। 2022 में हमने एक स्मॉल चेक रेज किया इंडियन एंजल नेटवर्क से, pre-seed राउंड ऑफ 1 करोड़, एंड हमने अपना बेस बैंगलोर शिफ्ट किया क्योंकि बैंगलोर मेजर कॉफीज होती हैं और इसके थ्रू हम अपना सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज कर पाए। 1 करोड़ एट व्हाट वैल्यूएशन? 1 करोड़ एट 10 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन। तो 10%। करेक्ट। पर आप 2022 का रेवेन्यू नहीं बताया आपने, खाली इन्वेस्टमेंट बताया। 2.3 करोड़। प्रॉफिटेबल अगेन है? अब नेगेटिव हो गया हो ना, पैसे तो आ रहे। नहीं ऐसा नहीं। तो हम ब्रेक इवन करते हुए ग्रो करना चाहते हैं और वही हमारा है। 2022 में ब्रेक इवन था या लॉस था? तो 2.3 करोड़ पे -20 लाख। नॉट बैड। इस साल का कैसा रहा है? 2.1 करोड़ टिल सितंबर क्लॉक कर चुके हैं और अभी हमको लगता है कि बाय प्रोजेक्शन वी विल बी एबल टू टच क्लोज टू 6 to 6.5 करोड़। पिछले महीने कितना किया था? अक्टूबर में हमने किया था क्लोज टू 33 लाख। सीजनल होता है क्या आपका बिजनेस? नहीं नहीं, अभी हमारे जो पैसे आए थे वो जुलाई में आए थे, तो अगर आप क्वार्टरली रेवेन्यूज देखोगे वो ग्रो हो रहे हैं, तो जुलाई से हमने किया तो डिप्लॉय किया है कैपिटल, डिप्लॉय किया, तो अभी हमारा जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो 1.1 करोड़ पे है। एंड दिस ईयर अभी तक लॉस कितना हो गया? इस साल वी आर क्लोज टू -10 लाख ऑन अ 2 करोड़ सेल। On a 2 crore sale, yes. And overall, साल will be profitable? Overall, हम 60 lakhs पे हम profitable हो जाएंगे, 60 to 70. 6 crore sale. Yeah. और अगर 4 करोड़ रह गई sale या 5 करोड़, because H1 खत्म हो गया है, H2 में भी हम तो हम ब्रेक इवन पे क्लोज करेंगे। तो आपका मेन सेल्स कहाँ होती है? 60% सेल हमारी खुद की वेबसाइट पे होती है, 40% मार्केट प्लेसेस पे होती है, जिसमें सबसे ज्यादा Amazon पे होती है, फॉलोड बाय क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि Zepto, Blinkit, Instamart एंड बिग बास्केट। आपकी प्राइसिंग कैसी है? Starting from 450 rupees for a 250 gram. इसका बताओ। So this is for 550 rupees for 12 sachets. और आपका जैसे 250 ग्राम का बीन्स का पैकेट है वो कितने का है? 550 rupees for 250 grams and goes up to 1400 to 1500 rupees for 250 gram. तो आपका, मैं बस एक वो बोलना चाहती हूँ कि महंगा है। ये वाला मतलब पड़ता है around 45 to 50 per sachet. मैं जो खरीदती हूँ ब्लू टोकाई या थर्ड वेव की, तो वो मुझे जनरली 25 से 30 में पड़ती है, डिस्काउंट। और मैं खरीदता हूँ नेस्कैफे 2 रुपए का सैशे। दूसरा जो ब्रू का 100 ग्राम का जार आता है वो इतना प्राइस का पड़ता है जितना आपका 50 ग्राम का है। बट एक बात बताइए, इन सच अ कम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पे लोगों ने अच्छी फंडिंग भी रेज कर ली है, और आपके पास तो अभी कुल मिला के 1 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है, why will you win? हम स्पेशलिटी कॉफी स्पेस में हैं। ये तो सब बाकी भी कर लेते हैं यार, जो आप कर रहे हो मैं कर लूंगा। I think मेरा तो आप क्यों जीतेंगे? करेक्ट। तो वो बोलते हैं कि we celebrate Indian farmers versus we say कि world of coffee is कल से नहीं बोलेंगे। आपको नहीं पसंद है तो नहीं। कंपनी विजन राइट ओवरनाइट की नहीं, कंपनीज कैन डू एनीथिंग। आप क्यों जीतेंगे? तो पहला तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है दैट वी हैव गॉट, व्हिच आई डोंट थिंक इज अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल, बिकॉज़ एवरीबॉडी कैन डू एवरीथिंग। आप कल को जाके उनको सू नहीं कर सकते कि आपने मेरा कॉपी कर लिया है, ये दिस यू कैन नॉट डू। एक यूनिक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है जो एटलीस्ट हमने स्टार्ट किया है और हम भी बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा आपके पास क्या है कि आप ही बिल्ड कर सकते हैं? टीम है आपके पास कोई और आप दोनों के अलावा? वी हैव टीम बट नॉट कोर टीम, मेन टीम हम दोनों हैं। कितना रेवेन्यू आप कर लेंगे 3 साल बाद? पहले 1 साल में हम D2C और मार्केट प्लेस के थ्रू क्लोज टू 2 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू करना चाहते हैं। उसके बाद आई थिंक रिटेल इज अ पार्ट जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक तो आपको लगता है 25 से 30 करोड़ का बिजनेस आप सिर्फ D2C मार्केट प्लेसेस के थ्रू बना सकते हैं। हम अभी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग कर रहे हैं। और उस पर नफा कितना कमा लोगे आप? क्लोज टू, बिकॉज हमारे ग्रॉस मार्जिन MRP पे 70% है। MRP पे नहीं, नेट पे बताइए अभी कितना मार्जिन है? तो नेट पे मार्जिन है 62%। तो मेरे को एक चीज बताओ, अभी आपने 1 करोड़ रेस किए थे, अभी कितने आपके पास पैसे बचे? तो अभी हमारे पास क्लोज टू 2.5 से 3 लाख बैंक में है। What? 97 लाख खत्म कर दिया। 10 लाख का बर्न रेट है, तो आपके पास 1 हफ्ते का टाइम बचा है। नहीं, हमारे पास रिसीवेबल्स भी है, वो डिले हो गए तो डिले ही चल रहे हैं, इसलिए नहीं आए हैं। बट आइडियली ऐसा वो इसलिए भी होता है कभी कभी, जब वो नहीं बिकते ना, जब माल नहीं बिकता तो रिसीवेबल्स नहीं देते, उन की वेट करते हैं कि स्टॉक बिक जाए। आ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं आए तो पहली चीज ये है कि हम बहुत स्मॉल लॉट्स में उनको डिलीवर करते हैं क्योंकि फ्रेशली रोस्टेड कॉफी है। बट आप हैंड टू माउथ नहीं चल रहे बहुत ज्यादा। फैसिलिटी बिल्डिंग में भी हमारे कुछ पैसे गए। सेकेंडली, हम मंथली 25 लाख कर रहे थे, क्वार्टरली 25 लाख कर रहे थे, अब हम 1 करोड़ क्वार्टरली कर रहे हैं। तो आई थिंक हमने लास्ट 1 ईयर में ये भी ग्रो किया है। ऋषभ, नंदिनी, मैं उस सिचुएशन में बाय द वे जा चुकी हूँ बहुत बार, कि बिल्कुल ऑलमोस्ट हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन एंड डाउन टू द वायर। 15-16 लाख के रेवेन्यू पे भी मैंने 30 लाख असाइड रखे हुए थे शटडाउन मनी, कि लास्ट की जो सैलरीज हैं एंड वेंडर्स को जो पेमेंट्स देना है उनकी कोई गलती नहीं है। जो रिस्क ली है मैंने ली है, मेरे को फाउंडर ने लिए, उन्होंने नहीं लिए, तो उनके पैसे अलग रखने चाहिए। दैट्स वन। सेकेंड इज प्राइस पॉइंट आपका जो है 1.5 टाइम्स फॉर दीज एंड 2x फॉर दीज, वो आपका मार्केट साइज को बहुत छोटा कर देता है। न्यू ब्रांड जिसकी कोई कैफेज नहीं है, उसको ऐसा प्रीमियम कमांड करना बहुत मुश्किल होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्ट्रैटेजी में, तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट बेस्ट आई थिंक स्पेशलिटी कॉफी जो 550 रुपए पे बिकती है वो एक बहुत छोटा मार्केट है, बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है और बाकी प्लेयर्स बहुत वेल फंडेड हैं। ओनली फॉर दैट रीजन आई एम आउट, लेकिन मैं पक्का आपकी कंज्यूमर बनूंगी। थोड़ा आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा मैं, आउट टू एक आपका जो ब्लेंड है ना, जो मैंने कहीं नहीं सुना, जैसे आपने बोला विस्की बैरल ब्रांड या ऐसा ब्लेंड है, उस पर डबल डाउन करो। ये प्रोडक्ट अगर हिट हो गया तो बाकी चीजें ऐड करो, अभी इतना मत जाओ। मतलब मेरा बस ये भी है। थैंक यू। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, आपको खुद को क्यों कन्विक्शन है कि आप जो आपके दूसरे कंपेटिटर्स हैं उनसे आगे निकल जाएंगे? सबसे ज्यादा जो कन्विक्शन आता है वो आपको आपके कंज्यूमर से आता है। जब लोग मुझे कॉल करके बोलते थे ना लॉकडाउन में, यार नंदी माइसो कहीं नहीं मिल रही है, प्लीज भेज दे, आई विल पे एक्स्ट्रा फॉर द डिलीवरी। आई रिमेम्बर दैट वॉज माई थिंग। तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि ठीक है, कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन रहेगा। आज है, 5 साल बाद भी कॉफ़ी कंपनी आएगी, 50 साल बाद भी कॉफ़ी कंपनी आएगी, लेकिन मेरी कॉफ़ी 50 साल बाद भी स्टे करेगी, इज़ वॉट आई एम गोना डू। तो लोग जो कहते हैं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता आप लोग शट डाउन होंगे। हो सकता है आपका बिजनेस कम होए, बट यू विल परसिस्ट थ्रू, ऐसा मेरा मानना है। उसलिए मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। नॉन कॉफी ड्रिंकर इज गिविंग एन ऑफर। मेरा ऑफर ये है कि 60 लाख का आपने निवेश मांगा, 60 लाख में से 30 लाख में निवेश करूंगा इक्विटी में, 30 लाख के अगेंस्ट मैं चाहूंगा कि मैं 2%। उसके साथ साथ जो है मैं आपको 30 लाख का डेट देना चाहूंगा, 3 साल का डेट होगा एट 10% इंटरेस्ट रेट। थैंक यू रितेश फॉर योर ऑफर। आई थिंक वी विल हियर हिम आल्सो फर्स्ट। आई थिंक रितेश हैज गिवन अ वेरी गुड ऑफर, यंगेस्ट बिलियनर ऑफर। तो इसलिए इस वजह से मैं बाहर हूँ। आई थिंक वो आपको अपराउंड भी कर रहे हैं, तो माय ऑफर वुड नॉट हैव मैच। फॉर नाउ आई एम आउट। आई थिंक दिस ऑफर इज बेटर। रितेश, क्या हम डेट का पार्ट रिमूव कर सकते हैं? देखो दोस्त, दिस 30 + 30 वी शुड क्लोज इट, नहीं तो दोस्ती और प्यार हमेशा रहेगा। इक्विटी का पोर्शन हम बढ़ा सकते हैं और डेट का पोर्शन कम कर सकते हैं। मेरा प्रपोजल है आपसे कि 35 लाख हम इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी में एट 15 करोड़ वैल्यूएशन, यानी कि 2.33%, और उसके साथ साथ 25 लाख हम निवेश करेंगे आपकी कंपनी में डेट की तरह, जो कि 10%, 10% के पर एनम इंटरेस्ट रेट पे होगा 3 साल की। रितेश, डील पक्की। दोस्त, आप लोग बाजीगर हो। Thank you, thank बस you मुझे कॉफी ठीक से पीना सिखा देना आपको। पति पत्नी और ओयो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक गाइस। थैंक यू शख्स। मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगी सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स मिस विनीता सिंह। थैंक यू मैम। बिजनेस और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस क्लियर हो गया। अब शार्क टैंक पे थोड़ा जानते हैं लीगल ड्यू डिलिजेंस क्या होता है विस्तार में। सो लीगल ड्यू डिलिजेंस में जनरली 3 चीजें होती हैं। एक है सारे अग्रीमेंट्स। सो आपके अगर कोई पुराने राउंड है, शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स, आपने जो अपने एम्प्लॉयज के साथ अग्रीमेंट्स किए हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेंडर, ये सारा जो आपका अग्रीमेंट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारा जगह पे है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लीगल रिस्क आ सकती है कंपनी पे अगर वो वर्बल अग्रीमेंट्स के बेसिस पे धंधा चला, राइट। सो फर्स्ट सेट वो होता है। सेकेंड है कंप्लायंस। सो कंप्लायंस मतलब जो गवर्नमेंट के लॉज हैं अराउंड जीएसटी, अराउंड टीडीएस, अराउंड पीएफ, ईएसआईसी, ये सब में आप कंप्लायंट हैं कि नहीं। आपकी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उसमें कंपनी रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड है कि नहीं, आप एनुअल टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं कि नहीं। तो वो सारे जो होते हैं वो कंप्लायंस बकेट में आते हैं, बिकॉज इंडिया में एक्चुअली अगर नॉन कंप्लायंट है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, एंड एज इन्वेस्टर्स हमें भी इम्पैक्ट आ सकता है अगर आपका कुछ नॉन कंप्लायंस है। और तीसरा है स्पेसिफिक केसेस जहां कहीं पैटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क्स, हम ये सारा भी वेरीफाई करते हैं। तो जनरली ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। देखा, आधी से ज्यादा चीजें ना पता थी, फायदा हो जाता है। मैं अच्छे सवाल पूछता हूँ, मेरी भी सुन लिया करो कभी कभी। पर खैर, आपसे मिलेंगे अगले आज शार्क में विद अ न्यू शार्क एंड न्यू क्वेश्चन। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच डिटेल्ड आंसर्स। थैंक यू।